सारा दिन पढ़ता ही रहेगा या एक गिलास जूस भी पिलाएगा? अभी बना देता हूँ। अरे तू और यहाँ क्या हाल है? मेरे तो बढ़िया, तू सुना? एकदम बढ़िया। सही है, कहाँ जाएगा इतनी पढ़ाई करके? देख रहा हूँ कहीं तो पहुँच ही जाऊँ। जहाँ भी पहुँचे बता दियो, मैं भी तेरे पीछे पीछे पहुँच जाऊँगा। अच्छा सही है, मेरे को ये बता जूस मीठे का बनाऊँ या फिर बिना मीठे का? कोई सा भी नहीं। कोई सा भी नहीं, लेकिन तू तो हमेशा पीता आते ही। हाँ लेकिन अब ना तेरे जूस में वो बात नहीं रही। अच्छा मेरी बात तो कोई इतना सीरियस क्यों ले लेता है, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मेरे को लगा कि सच में बोल रहा है। नहीं वैसा कुछ नहीं है, घर से ना अभी पराठे खा के निकला था तो पेट में ना बिल्कुल भी जगह नहीं है। अच्छा फिर कोई बात नहीं। मेरे को ये बता अजीत नैन के नोट्स मिल गए थे तेरे को फिर? अरे नहीं वो तो मिले ही नहीं, 19-20 का फर्क है अजीत नैन और आर के शर्मा के नोट्स में, इसलिए मैं आर के शर्मा के ले आया। हाँ फर्क तो थोड़ा ही होता है। हाँ वैसे गगन एक बात बोलूं? हाँ बोलना। तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा है और साथ में काम भी? अरे वो क्या है ना घर का हिसाब किताब भी देखना पड़ता है, इसलिए दोनों चीजें साथ में लेके चल रहा हूँ। क्यों ना तू सारा फोकस अपना पढ़ाई पे कर ले, क्या पता जल्दी क्लियर हो जाए। अगर तेरे को कोई दिक्कत ना हो तो कुछ पैसे मैं तेरे को दे देता हूँ, जब तेरे पास होंगे तो मेरे को वापस कर दियो। नहीं यार ऐसे तो नहीं। तू मुझसे पैसे नहीं ले रहा इसका मतलब तू मेरे को अपना नहीं मानता। अरे यार कैसी बातें कर रहा है, मेरे से ज्यादा ना तेरे को कोई अपना मान नहीं सकता। और रही बात पैसे की, मेरे को तेरी सिर्फ दोस्ती चाहिए पैसे नहीं, क्योंकि पैसे आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। तेरे को जूस वाला नहीं नेता होना चाहिए था, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बना लेता है। चल एक काम कर, एक गिलास ना जूस बना ही दे, देख के मन कर गया। ठीक है। ओ शिट यार मैंने तो मूवी देखने जाना था, अब इसको क्या बोलूं? लगाता हूँ कुत्ते गड़म। हेलो कहाँ हो तुम? मैं बस बाथरूम में हूँ। बाथरूम में हो? तुम अभी तक बाथरूम में ही बैठे हो? नहीं खड़ा हूँ। खड़े हो? मैं तो वेट कर रहा हूँ आपका सेक्टर 14 में, कब तक आओगे? इतनी देर होगी मेरे को वेट करते हुए। सेक्टर 14 में हो लेकिन अभी तो तुमने कहा बाथरूम में हूँ। जब कह रहा हूँ सेक्टर 14 में हूँ, तुम भी ना बाथरूम के पीछे ही पड़ गई हो। मूवी का टाइम हो गया, 15 मिनट बचे हैं सिर्फ। हाँ तो घर क्यों बैठी हो, निकलो ना घर से बाहर। मैं मॉल के आगे खड़ी हूँ, जल्दी आओ तुम। ठीक है। ड्यू पिएगा? क्यों? क्योंकि डर के आगे ना जीत है। बना ले मजाक, जब तेरी सेटिंग बनेगी ना तब पता चलेगा। तब की ना तब देखेंगे, फिलहाल तो जूस पी और मीटर खींच दे। ले चल ठीक है, एक दो दिन में मिलता हूँ। ओए 500 का रखा मशीन के पास, ले लियो। अरे लेकिन हर बार ना ये ऐसे ही करता है, अपने दोस्तों निगाह जताई देता है, एक साल बड़ा जो है मेरे से। कहाँ लगा दी इतनी देर तुमने? मेरे को लगा आप सेक्टर 14 में मिलोगे इसलिए वहीं खड़ा था। मुझे पता है तुमने उस टाइम बाथरूम में ही थे। फिर बाथरूम के पीछे पड़ गए, जल्दी चलो नहीं तो बाथरूम निकल जाएगा। क्या मतलब? मूवी की स्टार्टिंग निकल जाएगी यार। चलो कोई बात नहीं फिर कभी दे देना। लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। कई बार ना हो जाता है, पैसे उठाना भूल जाता है इंसान। नहीं मैं पैसे लेके आई थी, शायद कहीं गिर गए हैं। मैं ना डेली यहीं पे होता हूँ इसी टाइम, आप कल दे देना। अगर मैं ऑनलाइन कर दूं तो? ऑनलाइन ऑनलाइन तो नहीं हो पाएंगे। अच्छा एक मिनट रुको फिर। Thank you.
हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारे दिल में। हाँ हाँ, वो तो हो ही, फिलहाल कहाँ हो तुम? फिलहाल भी तुम्हारे दिल में ही हूँ। तुमने अब ठीक से जवाब नहीं दिया ना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं मॉडल टाउन में हूँ, बोलो। एक बार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आओगे? तुमने वहाँ पे घर कब लिया? अरे बाबा, घर नहीं लिया, कुछ सामान लिया था, पैसे पता नहीं घर भूल गया कहीं गिर गए हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं पेटीएम कर देता हूँ। पेटीएम में तो मेरे भी है, लेकिन जिनको देने ना उनके पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं है। अच्छा आप ना मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन सेंड करो, मैं आता हूँ। ओके मैं करती हूँ। हाँ बोलो, किसको पैसे देने हैं? उस जूस वाले को 60 रुपए। क्या हुआ, कहाँ खो गए? अरे इसको ही देने थे तो मेरे को बता देते, मैं बाद में दे देता। बाद में मतलब? मेरा दोस्त है ये गगन। ये जूस वाला दोस्त? हाँ बचपन से साथ है हम। लेकिन हमें साथ में 8 महीने हो गए, ये दिखा नहीं कभी तुम्हारे साथ। एक्चुअली क्या है ना, ये रहता थोड़ा बिजी, दिन में जूस की रेडी लगाता है और रात को पढ़ाई करता है। मैं भी हफ्ते में एक आधी बारी मिल पाता हूँ। अच्छा हाँ, मैं दे के आता हूँ पैसे। हाँ भाई, होने वाले सरकारी कर्मचारी कहाँ लगा हुआ है? अरे काश तू आजा। अरे नहीं, शाम को आता हूँ, अभी तो सिर्फ पैसे देने आया हूँ। पैसे? अरे हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी के जूस के पैसे। अच्छा ये तेरी गर्लफ्रेंड है, नमस्ते जी। मैंने तो इनको बोला ही था कि रहने तो बाद में दे देना। अच्छा चल कोई बात नहीं, अब ले ले। देख अगर तू आज पैसे दे के गया ना तो मेरे से बात मत करियो। लेकिन यार। ठीक है ला दे, लेकिन देख लियो फिर। अच्छा ठीक है, मुंह बना लेता है। बातें ऐसी करेगा तो बनाऊंगा ही ना। चल ठीक है चलता हूँ। हाँ ओके, ध्यान से जाइयो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इतने पैसे क्यों नहीं लिए? काम जूस का करता है लेकिन दिल बहुत बड़ा है इसका। आज 60 नहीं लिए, कल 600 उधार मांगेगा। क्या? कुछ नहीं, चलो मुझे घर भी छोड़ देना। हाँ चलो। चले अब अंदर, बस 5 मिनट में आता ही होगा। कौन? एक दोस्त को भी बोला है आने के लिए, पास में ही रहता है, आज उसकी छुट्टी भी है। अच्छा सही है। अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम्हारे बर्थडे की ट्रीट के लिए उसको भी बुला लिया? नहीं तो? फिर ठीक है। लो आ ही गया। ये है वो? हाँ मेरा दोस्त। अब एक जूस वाला मेरी बर्थडे पार्टी में आएगा? तुम शायद भूल रही हो, वो उसका काम है और वो ऐसे ही बिन बुलाए नहीं आया। आकाश देखो मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर ये अंदर आया तो, मेरे और भी दोस्त होंगे अंदर। यार मेरे को काम है, मैं जा रहा हूँ। गगन रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगा। और तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? दिक्कत? दिक्कत ये है कि इसका काम छोटा है, ये लो स्टैंडर्ड का है। तुम कहाँ 2.5 लाख की बाइक पे बैठे हो और ये कहाँ 2000 की साइकिल पे, कोई मैच ही नहीं है। जब तक जिंदा तुझे। अब तो कोई फर्क नहीं है। तुम इसके चक्कर में ना मुझे खो दोगे। खोने का डर कीमती चीजों का होता है, खराब चीजों का नहीं। मेरी तरफ से बड्डी वाली नमस्ते। यार दोस्त तो और भी बन जाते हैं। दोस्त तो बन जाते हैं लेकिन सच्ची वाली दोस्ती नहीं मिलती। वैसे बदला तो तू भी नहीं है। अच्छा ये देख। ये क्या है? देख ले। अरे वाह, तेरा एसएससी क्लियर हो गया। हाँ तेरी ना थोड़ी सी दुआएं लग गई। दिल खुश हो गया मेरे यार, आज पार्टी तो होगी लेकिन सेटिंग के बर्थडे की नहीं, दोस्त की तरक्की की।
लेकिन यार अभी पैसे तो है नहीं। पैसे मेरे, पार्टी मेरे यार की।